हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम सीखेंगे व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे व्रत। व्रत क्या होता है? व्रत ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जो एक समतल समतल में इस प्रकार गति करता है कि इसकी एक नियत बिंदु से दूरी सदैव समान अचर रहती है। नियत बिंदु का केंद्र तथा अचर दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अब इसको चित्र द्वारा समझेंगे। जो ये रेखा है ए और बी, ये हमारा व्यास है, और ये जो हमारा ओ है ये हमारा केंद्र है। यहाँ से ये जो रेखा गई है ये हमारी त्रिज्या है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि वृत्त क्या होता है। हम आगे जानेंगे, हम जानेंगे वृत्त की परिधि। परिधि क्या है? परिधि को ही हम परिमाप कहते हैं। हम इसमें जानेंगे एक वृत्त के अनुदिश एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी उसका परिमाप होता है, जिसे परिधि कहा जाता है। हम इसके फॉर्मूला को देखेंगे। परिधि बराबर होता है पाई इंटू व्यास, जो कि व्यास को हम लिखते हैं 2r। तो इसमें हम जानेंगे परिधि बराबर पाई इंटू 2r, वो हमारी वृत्त की त्रिज्या है। हम आगे समझेंगे गाइस, अब हम समझेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, ये क्या होता है? वृत्त क्षेत्र से परिवृत्त भाग वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। वृत्त का क्षेत्रफल हम इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर इकाई। हमें कोई भी अगर फॉर्मूला से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व तो हमें उस जरूर कि वो क्या है, वर्ग इकाई। अब हम आगे जानेंगे, अब हम जानेंगे अर्धवृत्त। अर्धवृत्त क्या होते हैं? वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है, जिसमें से प्रत्येक भाग अर्धवृत्त कहलाता है। अब इसको चित्र द्वारा समझेंगे। इस प्रकार से हम वृत्त के अर्ध भाग को समझ सकते हैं। ये हमारी ए बी एक रेखा है, ये हमारा अर्धवृत्त है, ये बीच में जो रेखा है ये हमारा आर है, त्रिज्या है। अगर हमको अर्धवृत्त की परिधि निकालनी होगी तो हम उसमें फॉर्मूला लगाएं पाई आर प्लस 2r इकाई। जब उसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो उसमें फार्मूला लगाएंगे 1/2 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। गाइस, अब हम जानेंगे वृत्त का चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। यदि एक वृत्त बराबर चार भागों में विभाजित होता है तब वृत्त के प्रत्येक भाग को वृत्त का चतुर्भुज कहते हैं। मतलब क्या है कि जब एक वृत्त बराबर चार भागों में विभाजित जाता है तो उसके चार भाग को हम चतुर्भुज कहते हैं। इस चित्र के द्वारा हम समझ सकते हैं किसी भी चतुर्भुज के अगर चतुर्भुज का परिमाप निकालना होगा तो हम इसको इस प्रकार निकालेंगे पाई आर अपॉन 2 प्लस 2r इकाई। जब उसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 वर्ग इकाई। हम इसको और आगे जानेंगे, हम जानेंगे वृत्त का त्रिज्याखंड। ये क्या होता है? वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा होता है प्रबद्ध हो वृत्त का त्रिज्याखंड कहलाता है। जब त्रिज्याखंड को देखेंगे, एक दीर्घ त्रिज्याखंड होता है, एक लघु त्रिज्याखंड होता है। लघु त्रिज्याखंड क्या होता है? जो ये ए ओ बी है, ए ओ इसको ओ ए सी बी ओ, ये हमारा दीर्घ त्रिज्याखंड है, और ओ ए पी बी ओ ये हमारा लघु त्रिज्याखंड है। इस प्रकार से हम दोनों त्रिज्याखंड को समझ सकते हैं। गाइस, अब हम जानेंगे त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई। किसी त्रिज्याखंड के संगत चाप को त्रिज्याखंड का चाप कहते हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या आर और त्रिज्या कोण थीटा है तब
जितने जयखंड की लंबाई एल होगी, तो हमको थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर लगाना होगा। इसको हम इस प्रकार चित्र से समझ सकते हैं, ये जो पी और क्यू के बीच में ये हमारा एल है, ये हमारा थीटा है, ये हमारा आर है। इस प्रकार से